Assalamualaikum, good morning and welcome to A Plus Morning. हमने ये नेशनल एंथम के तौर पे इसलिए इस हम जिंदा कौम है से शुरुआत की है बिकॉज आज हमारे साथ जो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं वो बहुत दूर से आए हैं और वो उनका नाम है उमर ताज और मैं चाहती थी आप मेरा साथ देना जरा डुएट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आ चुके हैं और ए प्लस मॉर्निंग का आगाज हो चुका है और आपकी भी मॉर्निंग ए प्लस बनाने आ गए हैं हम लोग। और उमर ताज जो है वो कतर के क्रिकेट टीम के कैप्टन है। हाँ, सो एक वो पाकिस्तानी भी हैं, तो उस हिसाब से हमने कहा एक थोड़ा सा पेट्रियाटिक फीलिंग आ रही है कि हमारे पाकिस्तानी कहाँ कहाँ दुनिया में बैठे हुए हैं और अपना रोल प्ले कर रहे हैं दुनिया को बेहतर बनाने में। बिल्कुल, और उसी चक्कर मैंने ग्रीन भी पहन लिया और मैं ग्रीन टी पी रहा था। क्या हाल है उमर? ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमें इतना टैलेंट भरा हुआ है कूट कूट के कि हम बाहर के ममालिक में भेज रहे हैं टैलेंट। एक्चुअली बस ये हमारे लक है कि चांस मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिला बस बिकॉज़ आई प्लेड अंडर 19 अंडर 17 फॉर पाकिस्तान। फर्स्ट क्लास भी खेले आप? फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला और देन वी वेंट बैक टू दोहा, तो वहां पे चांस मिला, देन आई अवेल इट। तो क्या आई वाज द यंगेस्ट कैप्टन इन दोहा जी। ओह वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या उम्र होगी आपकी अगर आप माइंड ना खेले? एनी आई डोंट माइंड मैं आई वाज ओनली 20 इयर्स ओल्ड व्हेन आई गॉट। कुछ चार प्लेयर जो है वो 11 साइड में बाय बर्थ होने चाहिए, कुछ नेशनल होने चाहिए पासपोर्ट होल्ड, और 7 ईयर्स वहाँ पे रुकना लाजमी है। अच्छा, तो आप 7 साल से हैं वहाँ पर? जी मैं 20-22 साल से हूँ। 20-22 साल माशाल्लाह। कोई आपने लैंग्वेज पिकअप किया वहाँ पे? जी लैंग्वेज में। अच्छा, कुछ हमें मतलब हाजा में फजले रबी हाजी ही कुछ बताए ना लाइन? लाइन तो बस सामयकम के हालक शखबारक शलोमक, मतलब क्या है। वेरी गुड एक्सेंट भी फुल पकड़ लिया है। अगर ये थोड़ी सी वो पहन के आ जाए तो शेख साहब ही लगे हैं। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि एक लाइटर नोट पे मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि क्रिकेटर्स अक्सर लंबे बाल क्यों रखते हैं, ताकि वो जब भागे तो बॉल की वो हीरो से लगे। नहीं नहीं, पहले एक ये सवाल पूछते हैं, ये आप बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग करते हैं? जी मैं राइट आर्म ऑफ स्पिन करता हूँ और ओपन बैटिंग करता हूं। अच्छा अच्छा, तो भागते हैं ये? भागते हैं तो बॉल भी ऐसे नहीं, अगर बैट्समैन भी हो तो कभी ना कभी तो फील्डिंग में भागेगा ही ना, कोई कैच करेगा तो फिर यूं उछाल के हीरोज की तरह भागेगा। एक्चुअली बालों का शौक बचपन से था, इट्स नॉट समथिंग लाइक। अच्छा, किससे इंस्पायर थे बालों के लिए? बालों से तो किसी को देख के ही लगता है ना कि मुझे भी रखने चाहिए हर बाल। एक्चुअली किसी को नहीं देखा, बस वैसे ही रख लिया अंदर से ही, एक हीरो उभर रहा था उनके। अच्छा उमर साहब, ये बताएं कि आपने माशाल्लाह इतने सालों से आप खेल रहे हैं और आप कैप्टन भी हैं टीम के, तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ खेला है आउटसाइड कतर? हम लोगों ने माशाल्लाह श्रीलंका खेला है जी, काफी टूर्स किए हैं, मलेशिया किए हैं, बैंकॉक किए हैं, दुबई, दोहा,
श्रीलंका में खैर नहीं सुना है कि डेंगू वहीं से फैल के यहाँ आया। हम जब गए थे तो सुनामी था रिसेंटली, काफी बम ब्लास्ट भी थे। ओह माय गॉड, इंडिया भी उधर थी और इंडिया भी और आई थिंक साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया था कुछ। ये A टीम्स के मैच थे? नहीं नहीं नहीं, इंटरनेशनल टीम, बट वो हमारे मैचेस नहीं थे, हमारे तो वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन थे। हाँ, ए टीम, हमने माशाल्लाह ए टीम को भी हराया उनकी। अच्छा जी, ए टीम जो होती है इट्स ऑलमोस्ट गुड एज इंटरनेशनल टीम, वो उनकी सेकंड लॉट होती है पूरी, और बड़ी बात है। लेकिन आप लोगों ने अभी तक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, कर लेंगे इंशाल्लाह। देखें हमेशा ही ट्रेजिक स्टोरी सुना रहे थे। हाँ, वो बस काफी क्लोज रहे हम लोग 2007-2008। अफगानिस्तान की बहुत अच्छी साइड है, उनको ज्यादा क्रिकेट मिलती है हमारे, और मजेदारी की बात ये उसमें भी ज्यादा पाकिस्तानी है। अफगानिस्तान में भी हम पाकिस्तानी को छा से गए ना पूरी दुनिया में। आप कहीं भी जाएं दुनिया में एक पाकिस्तानी जरूर मिलेगा, एक नहीं ज्यादा मिल जाते। दोहा में तो ज्यादा मिलेंगे, बट क्रिकेटर्स बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी। चलिए, वेरी नाइस। और जुनेद, साथ साथ हम सब देखने वालों को बताते चलें कि हमारे पास तीन और बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। बता दूं कौन है, यहाँ ठहर के बताऊं? वो बहुत हैवी सीन है, अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें। हाँ, और क्यूरियोसिटी। हाँ, मैं नाम नहीं बताना चाहता, ये हिंट्स दे देते हैं। हाँ, ना हाँ, एक जो है वो बहुत ही मॉर्निंग शो, सुपर हिट मॉर्निंग शो, और बहुत ही हसीन और सुपर हिट फिल्म एक्ट्रेस भी है। हाँ, ये मैंने बहुत बड़ी टिप हिंट दे दी है, तो खुद ही सोच लें। और एक जो है एक वो बहुत ही सुपर हिट, अपनी अपनी बातों की वजह से बहुत मशहूर है, और उनकी पर्सनैलिटी भी लार्जर देन लाइफ है। और एक जो है वो औरतों को सुपर हिट हसीनाएं बना देते हैं। तो आई एम श्योर आप क्यूरियस हो गए होंगे, मगर सारे ए प्लस सुपर हिट लोग हैं, तो आपने हमारे साथ ही आज रहना है और कहीं नहीं जाना, और हमें फोन करने और SMS करना है, ठीक है? तो क्या ख्याल है? बिल्कुल, और हम उम्र से भी बात करते हैं। हाँ, अगर आप ब्रेक पे अगर जाने से ब्रेक मुझे पे भी नहीं जा रहे शायद। हाँ, ब्रेक पे नहीं जा रहे, तो मेरे जहन में और भी बड़े सवाल आ रहे थे क्रिकेट से रिलेटेड। एक वो जो आप वाक्या बता रहे थे मुझे अफगानिस्तान के साथ, जो आपका वो जो क्वालिफाइंग मैचेस के बारे में, काफी वर्ल्ड कप बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेल बाइटिंग फिनिश थी उनके साथ, काफी क्लोज था मैच, वो उधर से फिर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के लिए, तो काफी क्लोज था। कुवैत में सीरीज हो रही थी, फिर उसके बाद यूएई में सीरीज थी, काफी क्लोज मैचेस थे। तो थोड़ा सा कुछ ये आईसीसी के रूल्स के बारे में बताएंगे कि ये क्वालिफाइंग मैचेस का जो विनर होता है, और ये रीजंस में कितनी रीजंस है वर्ल्ड ओवर जिसमें डिवाइड है, और आपकी कौन सी रीजन आती है? जी, हमारी आ जाती है ये साउथ ईस्ट एशिया है हमारी, तो चार इनके लेवल्स हैं बेसिकली। अच्छा जी, तो एक इनका पहला लेवल है एलीट ट्रॉफी है, एलीट के बाद फिर इनके जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है और क्वालिफायर्स। अच्छा, जी जी। अच्छा उमर, ये बताएं कि जो हमारी टीम में कुछ अनफॉर्चुनेट वाकयात हो जाते हैं, क्या वो कतर की टीम में भी होते हैं? क्या होते हैं वाकई? वो जो जरा कंट्रोवर्सीज वाले वाकयात होते हैं, यहाँ भी इस लेवल तक पहुंचे नहीं, या शौकीन मिजाजी वाले? ऐसा नहीं होते हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जरा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। अच्छा, कंट्रोल ज्यादा है। पाकिस्तानी तो उधर भी है, यानी कि उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में कुछ बता ही दिया। तो बेसिकली ठीक है, काफी अच्छा चल रहे हैं। तो कंट्रोवर्सीज जो पाकिस्तान के हवाले से हुई है वो बड़ी दुखिया है, क्योंकि हमारे बड़े स्टार जो हैं बड़े सा, अब जिसको दोहा में ही उनकी फाइनल वो था। एग्जैक्टली, आई वाज विद देम एज वेल। अच्छा, आमिर मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा जी, तो अभी भी वो आपके अच्छे दोस्त हैं? जी, अब बुरा टाइम आया फिर भी अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, वैसे आपको कितना सोच समझ के कहना पड़ता होगा ना कि कौन सा क्रिकेटर दोस्त है, कि आप ये ना हो कि लोग सोचे ये भी फिर वैसा ही निकलेगा, या ये वैसा ही है। हाँ, क्लिपिंग में काफी सारी मैं साथ था, तो मुझे फोन आने लग गए थे, मैंने कहा यार मैं तो खैर से है, ही हो गई, बस चल गया बस वो। नहीं, ये लेकिन इन्होंने बहुत एक अच्छी बात की, हम हर चीज में से पॉजिटिव चीज निकालने की कोशिश करते हैं, कि दोस्तों को कभी भी बुरे वक्त में छोड़ा नहीं जाता। हाँ, नहीं। वो दोस्त नहीं होता कि अगर आप उसको बुरे वक्त में छोड़ दें, हर टाइम। अब वो बुरा वक्त आया, कोई बात नहीं, अच्छा वक्त भी आया था ना उस पे, और अच्छा वक्त आएगा भी इंशाल्लाह। अच्छे वक्त और बुरे वक्त से एक बात याद आ गई कि आई फॉरगॉटन हु वाज सेइंग इट, बट समबडी सेड ऑन टीवी कि इनकी बीवियों को साथ भेजें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, ताकि ये फोकस्ड रहें और अगले दिन सुबह उठ के बहुत अच्छा मैच खेलें। एक्चुअली आपका क्या व्यू है बीइंग अ क्रिकेटर? तो बहुत फोकस होना पड़ता है जी। बड़ा इनका कहना था कि बीवी को भेजें ताकि फोकस रहे, क्योंकि मना है बीवियों का साथ जाना। नहीं, जाना चाहिए जी, फैमिली का हक है। कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अफजल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं पहले तो उमर भाई से कहूंगा, बहुत अच्छा खेलते हैं, मैच देखा था मैंने।
मेरा भाई भी कैंसल होता है। और अफजल आप और क्या सवाल पूछना चाहेंगे आपके? जी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके जी? मेरे ठीक ठाक, आप सुनाए? बस अल्लाह के शुक्र, आप सुनाए क्या हाल चाल है? कब आप आ रहे हैं आगे क्रिकेट टीम में पाकिस्तान में? Actually, Pakistan, ये तो बड़ा difficult question है जी, and I don't want to answer political way. तो देखते हैं, लगे हुए हैं दौड़ में, अभी है इंशाल्लाह 2020 खेलेंगे अब्तबाद रीजन से, अब्तबाद से। इंशाल्लाह। और शादी का क्या ख्याल है आपके? जी शादी तो हो जाएगी, हो ही जाती है। अफजल भाई निकलवा लें इनसे जो निकलवाना चाहते हैं। बता देना कहाँ से करेंगे शादी। पकड़ लिया उन्होंने, फंसा दिया। घर वालों की मर्जी से करेंगे जी, जहां पे भी हो। थैंक यू अफजल फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और क्रिकेट फैनेटिक्स को आपने छेड़ दिया है उमर साहब। बस अभी हर एक बंदे के अंदर पाकिस्तान की अगर 18 करोड़ आवाम है ना, तो 18 करोड़ फैन है क्रिकेट के। अच्छा हमें अब एक ब्रेक पे जाना है, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बल्कि इंशाल्लाह आपको फिर दावत देंगे ताकि हम सब क्रिकेट फैंस को, हाँ क्रिकेट के ऊपर बात, और फिर आप अपना क्रिकेट वाला गाना भी गाएंगे। हाँ मैंने क्रिकेट पे गाना भी निकाला था। सो स्टे ब्रेक के बाद आएंगे तो तीन एक्साइटिंग सरप्राइज गेस्ट हैं, तो हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग।